हाय प्यारे बच्चों, वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में कि ये जो बेसिक फोर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जब कभी भी हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल हो तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है। पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है, मैग्नेटिक का मतलब है कि मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। तो जब कभी हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हो या हमारे पास कोई मैग्नेटिक पोल्स हो तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टेटिक कहते हैं। अगर चार्ज के बीच में हो, मैग्नेटिज्म के हो, तो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाद में हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही दो फेज हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, एक चार्ज पार्टिकल जहाँ पे है। इसका Q1 चार्ज है, इसका Q2 चार्ज है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस हो तो ये रिपेल करते हैं, अनलाइक हो तो अट्रैक्ट करते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब ये चार्ज क्या होता है, हमारे पास चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होते हैं। और जब उसके इर्द गिर्द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, जहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाए, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर उस फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए तो वो इंट्रैक्शन उसमें डेवलप हो जाती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स करता है कि उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो मान लो हमारे पास ये, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास की जब फिजिक्स पढ़ते हैं। आज हम बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, और जहाँ लाइक हैं जहाँ अनलाइक हैं, और ये दोनों सेपरेट हो रखे हैं r डिस्टेंस के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी। इंट्रैक्शन कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कूलम्स। उन्होंने हमें एक ला दिया कि ये कितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो सकती है। तो हमारे पास अगर ये दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, इंट्रैक्शन मीन अट्रैक्शन और रिपल्शन, लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आर स्केयर एंड इन्वर्सली आर स्केयर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ये हमारे पास इस फार्मूले से हम दो चार्ज पार्टिकल जो इंटरेक्ट करते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो K है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमें बड़ी बार लोग पूछते हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास यहाँ दो फैक्टर हैं, देखो एक ये टर्म है, एक ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशियो है, फोर्स, हमें पता फोर्स इसके साथ इस पूरे फैक्टर के साथ चेंज हो रही है। तो फोर्स का क्या रेशियो है इस नंबर के साथ, अगर ये मान लो ए है और ये मान लो के है और ये मान लो पूरा बी है, तो ए का रेशियो टू बी क्या है, दैट्स कॉल्ड द के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कि हम अगर बी कितना बढ़ाएंगे तो ए कितने टाइम बढ़ेगा, वो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें ये बताता है कि जो रिलेशन है डायरेक्टली और इनवर्सली, डायरेक्टली का मतलब होता है कि इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, ये डायरेक्टली है, कितने टाइम बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कितने टाइम बढ़ेगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जो रेशो बताता हमें कि ये फोर्स जो है इसके बढ़ने से इतने टाइम बढ़ जाएगी, डायरेक्टली हो, इन्वर्सली भी हो। तो इन्वर्सली में क्या रहता है कि हमें पता इन्वर्सली का इफेक्ट अपोजिट होता है, इसके बढ़ने से ये कम होगा, किस रेशो के साथ होगा, वो जो रेशो के है हम उसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कभी हम इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि ये रहा हमारे पास कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हों, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर चार्ज का डायमेंशन बड़ा छोटा हो एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो हम दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हों तो उनमें जो इंट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो इसके बराबर होती है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम्स लॉ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। ये बेसिक है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में इतनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास पोल की इस चार्ज की जगह पे दो मैग्नेटिक पोल होते, मान लो ये एक मैग्नेटिक पोल है, एक ये मैग्नेटिक पोल है, ये मैग्नेटिक पोल नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक पोल साउथ है, ये मैग्नेटिक पोल नॉर्थ भी हो सकता है, ये भी नॉर्थ हो सकता है,
ये साउथ भी हो सकता है, ये भी साउथ हो सकता है, ठीक है। अगर ये लाइक चार्जेस हों, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करते हैं, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। मान लो ये दो पोल हैं, सेपरेट हैं आर डिस्टेंस से, तो दो मैग्नेटिक पोल लाइक पोल रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, तो इनमें कितनी इंट्रैक्शन रहेगी वो हमें कूलम्स ने कैलकुलेट करके बताया। यहाँ भी हम उसे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं, जहाँ मैग्नेटोस्टैटिक कहते हैं। तो ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है यहाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इनको कंबाइन करें तो मेरे पास ये दोनों पोल का स्ट्रेंथ हो जाएगा प्रोडक्ट और डिवाइड बाई आर स्केयर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एम एन एम एस डिवाइड बाई आर स्केयर, ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। हाँ, इसको मैग्नेटोस्टैटिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। हमें ये बताता है कि अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो किस रेशियो के साथ एफ बढ़ेगी, वो जो रेशियो है ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बताता है। तो मैग्नेटिज्म में भी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही फेसेस रहते हैं, ठीक है। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमें पता चला कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हों तो इंटरेक्ट करते हैं, टू पोल्स हों तो इंटरेक्ट करते हैं, वो जो इंट्रैक्शन है, वो जो फोर्स है, फिर हम उस फोर्स को यूज़ करते हैं कहीं अप्लाई करने में, वो फिर हमें एनर्जी देगी, उस एनर्जी से हम बड़े सारे वर्क करते हैं। जैसे हमारे घर में जितनी भी मशीन चलती हैं या पूरी इंडस्ट्री में मशीन चलती हैं, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से चलती हैं, वो हमें पता ही है। और जब हम मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं 12th क्लास में, उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक तौर पर था हमारे पास कि दो पॉइंट चार्जेस या दो मैग्नेटिक पोल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अब बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर कोई हमें पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, पहली बात मैं आपको एक बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इंट्रैक्शन है क्या। जैसे हमने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, इसके इर्द गिर्द एक स्पेस है जहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो किसी एरिया से जब वो फील्ड क्रॉस कर रहा है तो पर यूनिट एरिया में कितना क्रॉस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इसका मतलब है अगर हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वेरिएबल ही बनेगा, फिर वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हमारे पास बन जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे छोटी एनर्जी होती है हम उसे कहते हैं फोटॉन, क्योंकि हमें पता है ये जो फील्ड बन रहा है तो ये हमारे पास वेव में जा रहा है, तो वेव में हमारे पास जो सबसे छोटी वेव रहती है कि ये इसे कहते हैं फोटॉन। फोटॉन का मतलब होता है कि हमारे पास उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट ये है, और इसकी एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर। फिर हम कह सकते हैं कि जो सोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमें कंटिन्यूस वेव नहीं प्रोड्यूस करता, वो ये छोटे छोटे फोटानों को हमारी तरफ फेंकता है, और ये फोटान जो है आपस में फिर इंटरेक्ट करते हैं दो बॉडी के बीच में, तो इंट्रैक्शन क्रिएट होती है। अगर हम सन की बात करें, मान लो ये मेरे पास सन है, और जो सन हमें एनर्जी देता है वो भी इन फोटॉन्स में देता है और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देता है। अगर हम यहाँ स्टडी करें कि सन की जो रेडिएशन हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, तो पहले हमारे पास होता है एक विजिबल रीजन, विजिबल रीजन होता है जो लाइट जो हमें देखने में हेल्प करती है, इसे हम लोग वेव गियर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंफ्रारेड वेव होती है, एक अल्ट्रावायलेट होती है, उसके बाद हमारे पास आती है एक्स रेज, फिर आती है हमारे पास गामा रेज, वहाँ हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स, और आखिर में आती है रेडियो वेव्स। कि जो सन हमें एनर्जी दे रहा वो इस पैकेट में दे रहा है, ठीक है। अगर हम इन सब वेव को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, तो जो हमारे पास गामा रेज होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जो एक्स रेज है उससे बड़ी होती है, जो अल्ट्रा वायलेट है फिर उससे बड़ी वेवलेंथ होती है उसकी, जो विजिबल लाइट है फिर उससे उसकी बड़ी होती है, उसके बाद जो हमारे पास इंफ्रारेड है उसकी वेवलेंथ उससे बड़ी होती है, जो माइक्रोवेव है उसकी वेव उससे बड़ी होती है, और जो रेडियो वेव होती हैं उनकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। तो हम कहते हैं यहाँ से जहाँ जाएंगे तो हम लोग जो वेवलेंथ है लैम्डा इंक्रीज हो रही है, और इधर आएंगे तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फ्रिक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी है ये फ्रिक्वेंसी हमें बताती है,
तो इसकी सबसे कम एनर्जी है, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ये जो सारी वेव सन हमें दे रहा, हमें ये एनर्जी जो मिल रही है सन से, वो इन दी फॉर्म ऑफ वेव मिल रही है। और ये सारी वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनका जो सबसे छोटा एनर्जी पैकेट होता है उसे हम कहते हैं फोटॉन, और उसकी एनर्जी एच न्यू होती है। जिसकी जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उसकी उतनी ही एनर्जी होगी। इसका मतलब इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसकी सबसे कम एनर्जी है। तो ये जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है, मान लो ये दो पार्टिकल हैं, जब ये दो पार्टिकल में ये फोटॉन एक्सचेंज होते हैं तो वो आपस में इंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अभी हमारा मेन मोटिव था कि प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि हम इसको 11 ट्वेल्थ में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये बेनिफिट्स क्या देगा हमारे पढ़ने में, हम सोसाइटी को क्या क्या, ह्यूमन बींग को कैसे इससे ऐसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि ये अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और इनवर्स रिपल्सिव फोर्स भी होती है, और ये हमेशा चार्ज पार्टिकल के बीच में होती है। हम कहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल के बीच में होती है एंड पोल्स के बीच में होती है, पोल्स के बीच में होती है ना। तो प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज पार्टिकल्स और पोल्स के बीच में रहती है, ठीक है। दूसरी, ये अट्रैक्टिव भी होती हैं और ये रिपल्सिव भी होते हैं दोनों ही, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो। लाइक चार्जेस या लाइक पोल रिपेल, अनलाइक चार्जेस और अनलाइक पोल अट्रैक्ट। उसके बाद आता है कि ये इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है, हमें पता इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती है कि जो ये इंट्रैक्शन होती है इनवर्सिव पोर्शन टू डिस्टेंस के रहता है, और सिमेट्रिकल लॉ है हम कह सकते हैं इसको। सिमेट्रिकल लॉ का मतलब होता है कि अगर ये मेरे पास चार्ज है तो जो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ये सिमेट्रिकली वेरी करती जाएगी इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आता हमारे पास कि अगर दो बॉडी के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर ये एक तीसरी चार्ज बॉडी भी आ जाए तो इसके आने से इनका जो इंट्रैक्शन है वो इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके आने से जो इस पर इफेक्ट होगा वो होता है वेक्टर सम ऑफ द चार्ज इफेक्ट बिकॉज ऑफ बोथ। तो जो इसका इफेक्ट एडिशन हो जाएगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट था वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो इसके आने से इसमें इंट्रैक्शन जो है वेक्टर सम ऑफ बोथ इंट्रैक्शन रहती है, लेकिन जो इसकी पहले इंट्रैक्शन थी वो उतनी रहती है। इसकी उससे एडिशन हो जाती है लेकिन इसकी चेंज नहीं होती। तो बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज पोल आ जाए, हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल आ जाए, तो दो पोल्स के बीच में पोल के आने से चाहे इनके आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर सम ऑफ इंट्रैक्शन हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास कि ये सेंट्रल फोर्स है, ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स है कि एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज सेंटर से जाती हैं, एक नॉर्थ पोल से दूसरे पोल तक, सेंटर से सेंटर तक जाती हैं, ठीक है। दूसरा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर इन फोर्सेस से या इनके फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक पोल्स को मूव करवाएं तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पहले यहाँ पे था यहाँ पे था। जब मैं एक चार्ज पार्टिकल जहाँ ले जाऊँगा तो इनकी पोजिशनों पर डिपेंड करता है, मैं कैसे ले गया, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। चाहे मैं इस चार्ज को ऐसे ऐसे करके ले जाऊँ चाहे सीधा ले जाऊँ, जो वर्क डन होगा दोनों के केस में वो सेम रहेगा। तो ऐसी कोई फोर्स हो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो फोर्स जो होती हैं ये 10^36 टाइम्स स्ट्रांगर होती हैं। टाइम्स जो हैं ये स्ट्रांगर हैं किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से लेके काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये वर्क करती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट है कि जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल का मतलब होता है कि मैसेंजर पार्टिकल, वो इसमें फोटॉन होता है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल क्यों इंट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें से फोटॉन जाते हैं, जो फोटॉन आपस में इंट्रैक्ट करवाते हैं दोनों पार्टिकल को, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कि चार्ज पार्टिकल या पोल्स के बीच में रहती है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होती हैं, लाइक चार्जेस या पोल रिपेल, अनलाइक चार्जेस आर पोल अट्रैक्ट, इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती हैं। बीच में कोई तीसरी चार्ज बॉडी आ जाए तो इनकी इंट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव भी है, 10^36 टाइम स्ट्रांगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लॉन्ग रेंज है, एक्सचेंज पार्टिकल जो है फोटॉन रहता है। तो ये मोटे तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे पास रहती है। अब बात आती है कि अगर हम कोई लाइव एग्जांपल दें कि ये कहाँ पे एक्ट हो रही है, तो हम इसकी लाइव एग्जांपल भी दे सकते हैं। देखो अब इसकी एग्जांपल्स कहाँ पे है कि कहाँ कहाँ ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले देखो स्टेबिलिटी ऑफ एटम,
सबसे पहले है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि कोई एटम स्टेबल है तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये बीच वाला होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और बाहर वाला होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के बीच में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें न्यूट्रल होता है, और बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जितना मासलेस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, किसी बॉडी के ऊपर भी चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव वैल्यू है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, और किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो इसका एन प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर भी चार्ज है वो एन ई प्लस माइनस होगा। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्लियर है? तो ये इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन चार्ज हमेशा इस नंबर का मल्टीपल रहेगा, हम ये नहीं कहते फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज हो गया न्यूट्रल, और इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन रहती है, और ये एज ए एटम बाहर न्यूट्रल है, लेकिन इसके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसी ने इसको स्टेबल बनाया। ये हाइड्रोजन का एटम हो चाहे यूरेनियम का हो या किसी का भी हो, तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल रहता है और